वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हमें एक्चुअली देखना है ये नंबर सिस्टम होता क्या है, हमें बेसिकली पढ़ना क्यों था। हमें मैंने कहा था आपको, ये जो रैम आ रही है हमारी कंप्यूटर सिस्टम की, रैम जो आ रही है हमारी 2GB 4GB 8GB, ये क्यों आ रही है पावर्स में। हमने देखा था वहाँ पे ये पावर्स में आ रहे हैं, 2 रेज पावर 0 2 रेज पावर 1 2 रेज पावर 2, ऐसे ही ये पावर्स में आ रहे हैं। तो हमारे पास जो है 1GB का रैम बन रहा है, 2GB का रैम बन रहा है। तो आप क्वेश्चन है ये ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए मैंने आपको कहा था कि भाई हमें एक्चुअली में जो है नंबर सिस्टम पढ़ना है। इस नंबर सिस्टम में हम एक्चुअली देखेंगे हमारे पास कौन कौन से नंबर सिस्टम है। एक्चुअली पहले हम डिस्कस कर लेंगे ये नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक, हम देखेंगे जो है नंबर सिस्टम जो है बेसिकली ये एक्सप्रेस कैसे हम अपना नंबर सिस्टम जो है हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं हम नंबर्स को। ठीक, हमारे पास जो है, अगर मैं हम अपनी लैंग्वेज बोलूं, हमारे पास 0 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे हमारे पास 9 तक आ रहा है। ठीक, अब मैं 10 क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि 10 में इन्हीं 1 और 0 से बना सकता हूं, 100 1 0 0 से बना सकता हूं, 10,000 जो भी मुझे कोई भी अब नंबर बनाना होगा वो मैं इन्हीं 9 नंबर 10 नंबर से बना सकता हूं। ये 0 से 9 0 से लेके 9 तक 10 नंबर आ रहे हैं। ठीक, तो एक्चुअली में ये हमारा नंबर सिस्टम है, लेकिन ये कंप्यूटर का नंबर सिस्टम नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा नंबर सिस्टम जो है हम अपने न्यूमरल्स को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं। ठीक, तो उसकी बुनियाद पे जो है हमारे नंबर सिस्टम के काफी सारे टाइप्स है, यहाँ पे मैं एक एक करके वो लिखता जाऊंगा और एक एक करके वो हम डिफाइन कर लेंगे। पहला जो है डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, दूसरा हमारा आ रहा है बाइनरी। मैं पहले काफी खाली चार ही आ रहे हैं हमारे पास, इसके बाद आ रहा है हमारे पास ऑक्टल, अब आ रहा है हमारे पास हेक्साडेसिमल। ठीक है ना, डिफाइन कर लेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम जो है एक्चुअली में वो यही नंबर सिस्टम जो है वो है, वो यही नंबर सिस्टम है जो हम यूज कर रहे हैं 0 से 9 0 से लेके 9 तक। अब कोई भी नंबर हम इसमें बना सकते हैं, वी कैन क्रिएट एनी नंबर बाय दिस 10 लेटर, बाय दिस 10 लेटर 0 बाय दिस 10 नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी आपको नंबर बनाना है इन्हीं के थ्रू हम बना सकते हैं। तो अगर आपने वो काउंट किया होगा 0 से लेके 9 तक, तो 10 डिजिट्स आ रहे हैं। तो इसकी जो है डेसिमल नंबर सिस्टम की तभी जो है बेस बन रही है 10, इसकी जो है डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस जो बन रही है 10। अब क्यों बन रही है 10 आपको पता है, क्यों, उसमें वही नंबर्स आते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना, ये हम यूज कर रहे हैं, हमारे नंबर सिस्टम का जो बेस है वो 10 है। अब हमारे बाइनरी पे, भाई ये तो हम यूज नहीं कर रहे, ये कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहे हैं, जो आपको सब कुछ पता है इसमें कैसे वो यूज कर रहे हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम जो है उसमें हमारे पास आते हैं हम खाली 0 1, इसके बाद उसके बाद कुछ आ ही नहीं रहा। अब आपको जो भी बनाना होगा वो आपने 0 1 में बनाना है। तो ये अगर हम काउंट करेंगे 0 1, ये 1 और 2 आते हैं, तो तभी इसकी जो है बेस आ रही है क्या 2। बाइनरी नंबर सिस्टम की जो बेस आ रही है वो आ रही है 2। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम वो एक नंबर सिस्टम है जो कंप्यूटर समझ पाता है बाइनरी नंबर। अब इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं विद द बेस 2। ठीक, अब आ रहा है इसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है, इसकी बेस हम कह रहे हैं भाई इसकी बेस 8 है। ठीक, इसकी बेस जो है 8 है। तो भाई अब आपने थोड़ा सा अगर आपको समझ आ रहा होगा ये, तो 0 1 2 3 4 5 और 6 7 तक ये जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बेस है, इसलिए 7 तक जा रहा है। 0 टू 7 अगर हम काउंट करेंगे वो 8 डिजिट्स आ रहे हैं इसमें। ठीक, अब जो ये हेक्साडेसिमल है, ये जो हेक्साडेसिमल है इसकी बेस है 16। ठीक, इसकी बेस जो है 16 है। तो अब ये क्या करेगा स्टोर नंबर कैसे 0 टू 15, हाँ जब हम ये काउंट करेंगे फिर 0 1 2 3 4 अप टू 15 ये आ जाएंगे हमें 16 डिजिट्स। क्यों, क्योंकि हम इसमें 0 भी ऐड कर रहे हैं। ठीक, अब तो ये आपने समझा डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है जिसकी बेस 10 होती है। आपने खाली याद रखना डेसिमल नंबर सिस्टम वो होता है जिसकी बेस 10 होती है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको इतना ही याद रखना है, क्योंकि हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, हम मैथमेटिकल यहाँ पर पोर्शन नहीं उठा रहे, हमने कंप्यूटर सिस्टम की बात कर ली। और ये क्यों हम डिस्कस करेंगे, इसके दो रीजन है जो मैं इसके बाद इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, दो रीजन इसके। बाइनरी नंबर सिस्टम जिसकी बेस 2 है,
ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसकी बेस जो है 8 है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसकी बेस 16 है, ठीक। तो यहाँ पे तो हम ये देखा ये नंबर सिस्टम आएगा, ठीक। मैंने कहा दो रीजन है हमारे पास, वी हैव टू रीजन वाई वी आर डिस्कसिंग दीज थिंग्स, वाई वी आर एक्चुअली यहाँ पे हम नंबर सिस्टम क्यों देख रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि हमारे पास दो रीजन है। क्या है रीजन? एक रीजन ये है कि हमें मेमोरी को समझना है, ठीक। यहाँ पे देखा होगा आपने, यहीं पे बात करेंगे, यहाँ पे देखा होगा आपने हमें बाइनरी नंबर देखा, बाइनरी नंबर में जो था हमारे पास इसकी खाली बेस है 2, ठीक ना। अब कंप्यूटर सिस्टम में जो भी आपको स्टोर करना है वो सब वो इसका पावर होगा, वो इसका पावर होगा 2^0, 2^1, 2^2, 2^3। ये 2 क्यों आ रहा है बेस? क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम को यही बेस समझ आ रही है। ये हम 10 नहीं ले सकते अपने में, ये हम ऑक्टल में नहीं ले सकते थे 8, ये हम हेक्साडेसिमल में नहीं ले सकते 16। अब कंप्यूटर सिस्टम हमारे नंबर्स को कैसे समझ पा रहा है? भाई हम तो 10 में देख रहे हैं नंबर्स, हम मैं कह रहा हूँ अभी 5, मैं सिंपली कह रहा हूँ 5। ये हम ऐसे डिनोट, ये हम ऐसे में आपको दिखाऊं, ये हम जो है मैंने अगर 5 लिखा यहाँ पे, ये हम ऐसे डिनोट करेंगे, इसका मतलब है ये 5 जो है इसकी बेस 10 है, उसका मतलब जो है ये डेसिमल नंबर है, ठीक। अगर ये 2 है और इसकी बेस 8 है, भाई ये जो नंबर है हमने बात की है ऑक्टल नंबर सिस्टम की। उसके बाद हम जाएंगे भाई ये 10 है, इसकी बेस 16 है, हम बात कर रहे हैं हेक्साडेसिमल की। इसके बाद हमारे पास आ रहा है भाई ये मैंने 100 कुछ लिखा है, इसकी बेस 2 है, हम बात कर रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की, ठीक। तो हमारे पास दो रीजन थे इसको हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं नंबर सिस्टम। एक तो यही मेमोरी मैनेजमेंट जो कि आगे जाके हम देखेंगे। अब एक पावर से क्यों आ रहा है, ठीक। तो आप अपने समझा, अब पावर से क्यों ले रहा है, उसके वजह से हमें 2GB, 4GB, 8GB की रैम आ रही है। दूसरा रीजन ये है कि आपके उमूमन चाहे आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देख लो जिसमें कंप्यूटर का पोर्शन रखा हो, उन्होंने आप ऐसे क्वेश्चन देख रहे हो वहां पे, कैसे क्वेश्चन वहां पे दिया है भाई ये 10 जो है या 19 जो है ये बेस 10 में है, मतलब जो है ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है, इसको आप कन्वर्ट करके दीजिए, ऐसे लिखा है कुछ यहाँ पे एमपीटी यहाँ पे 2। तो आपने समझा भाई 2 जो है बाइनरी नंबर है। अब यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, इसको मतलब कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर पे, जो भी कंप्यूटर समझ रहा है। ऐसे आप हजारों क्वेश्चन देखेंगे, अगर आपने इस पे ब्राउज किया होगा सर्च करेंगे आप हजारों क्वेश्चन देखेंगे ऐसे। तो हमारे पास अब ये एक मॉड्यूल बन गया क्या कि हमें ये देखना है ये कन्वर्जन वगैरह कैसे होता है। सबसे पहले हम देखेंगे डेसिमल नंबर। अब आपको पता है भाई डेसिमल नंबर वो नंबर होता है जिसकी बेस 10 होती है, डेसिमल टू बाइनरी। क्यों करते हैं हमें बाइनरी में कन्वर्ट? क्योंकि हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो खाली समझ रहा है 2 और हम अभी दे रहे हैं डेटा 10 में। 10 मतलब बेस, 10 का बेस का मतलब जो है वो है बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे? मानो इसने 100 दिया है वहां से, या उतना नंबर उतना बड़ा नंबर नहीं लेंगे पहले ही, हम लेंगे इसने 16 दिया है। इसने कहा है भाई क्वेश्चन में, ये आपको मानो वहां पे क्वेश्चन है, इसने कहा है 16 जो है बेस 10 में है, आपने इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ये क्वेश्चन दिया है आपको। वहां पे बहुत सारे ऑप्शन है। अब ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं ऐसे, ऑप्शन ए ठीक, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, कुछ भी। अब इनमें कौन सा करेक्ट होगा आप ये तभी जान पाओगे जब आपने बेसिकली देखा होगा ये कन्वर्जन वगैरह काम कैसे करता है। तो हमें एक्चुअली में अच्छे से देखना है डेसिमल टू बाइनरी नंबर्स, बाइनरी कन्वर्जन। तो मैंने कहा आपके पास एक नंबर है 16, ठीक, और ऑप्शन भी दिए थे। मैंने कहा ये डेसिमल में है और आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो बाइनरी की बेस 2 है, जिसमें आपको ये कन्वर्ट करना होगा उसकी बेस से इसको डिवाइड करो। आपको तो कन्वर्ट करना है 2, ये बाइनरी में इसकी बेस 2 है, हम इसको करेंगे डिवाइड 2 से। तो भाई 2 8s are 16, यहां पे कोई हमारा रिमाइंडर नहीं आ रहा, 0 2 8s are 16 रिमाइंडर आ रहा है। जैसे आप सिंपली करते हो यहाँ पे आपके 16 है, 2 8s are 16 यहाँ पे हमारा आ रहा है रिमाइंडर। आपको रिमाइंडर देना है, ठीक, आपको रिमाइंडर देना है 2 8s are 16, ठीक। इसके बाद क्या होगा,
टू फोर आर एट, इसके बाद फिर से जीरो, टू टू आर फोर, इसके बाद फिर से जीरो, टू वन आर टू, इसके बाद फिर से जीरो, और टू जीरो आर जीरो, क्योंकि आप होगा नहीं यहाँ पे छोटा नंबर आया और आप डिवाइड करो उसे बड़े नंबर से, अब तो ये पॉसिबल है नहीं, तो हम जीरो से ये खत्म करेंगे, क्यों, टू जीरो आर जीरो और रिमाइंडर जो है वन आ जाएगा, आपको तब तक नहीं रुकना जब तक ये यहाँ पे जीरो ना आ जाए, ठीक, तब तक आपको नहीं रुकना है, यहाँ पे सॉरी रिमाइंडर आया वन, ठीक। अब क्या है, अब जो है यहाँ पे आपने देखा कुछ वन जीरोज में आ रहा है, जो बाइनरी है वन जीरोज में आ रहा है, अब आपको जो है रिजल्ट ऐसे लिखना है, कैसे, यहां से वन जीरो जीरो जीरो, ठीक, तो ये आपका जो है बाइनरी में आ गए, ये जो है 16 बाइनरी में आ गए इसके, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेंगे, और एक एग्जाम्पल लेंगे, हम लेंगे एग्जाम्पल, आपको वहां पे क्वेश्चन दिया है कन्वर्ट कन्वर्ट 20 जो कि बेस 10 में है टू बाइनरी, ठीक है ना। मैंने सिंपली कहा आपको जो कन्वर्ट करना है उसको उठा यहां पे लाओ 20, ठीक, उसको डिवाइड कर लो आप उसकी बेस से जिसमें आपको ये कन्वर्ट करना है, तो हमें तो ये कन्वर्ट करना है बाइनरी में, हम बाइनरी की जो बेस है वो 2 है, तो मैं ये करूंगा 2 10 आर 20 तो 0, 2 5 आर 10 तो 0, अभी भी 0 आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना। इसके बाद शायद आपको ये दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं ऊपर लूं इसे, 20 था हमारे पास, ठीक, 2 10 आर मैंने किया, 2 10 आर आया हमारे पास, या ऐसे याद रखना चाहिए, 2 10 आर आया हमारे पास 20 और रिमाइंडर आया हमारे पास 0, हमें खाली रिमाइंडर को लेना है यहां पे, ठीक, खाली रिमाइंडर को, जो भी रिमाइंडर आ जाए, फिर करेंगे 2 5 आर 10, फिर से रिमाइंडर 0, 2 5 आर 10 रिमाइंडर 0, 2 2 आर 4, ठीक ना, मगर रिमाइंडर आ गया 1, रिमाइंडर आ गया 1, अब 2 सॉरी 2 1 आर 2 रिमाइंडर 0, और फिर 2 0 आर 0 और रिमाइंडर 1, जीरो से क्योंकि हमें यहाँ पे क्योंकि आपके पास वन आ रहा था जो कि टू से बहुत ही छोटा है, काफी छोटा है, तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, हमने क्या किया सिंपली हमने टर्मिनेट किया हमें 2 0 0, लेकिन रिमाइंडर आ रहा हमारे पास वन, मैंने कहा अब हमें ये 16, हाँ हमें बेसिकली अब यहां से लिखना है 1 0 1 0 0, आ गए ना ही हमारे हमारे पास खाली वन एंड जीरो में, और आ गया ऐसा कुछ रिजल्ट आपके पास, ठीक। अब आपने थोड़ा सा ये किया, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दूँ, आप ये कन्वर्ट कर लो 32 44 56 28 115 25, ये आप खुद से ही कन्वर्ट कर लो और देखो रिजल्ट आप सही आ रहा है कि नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक हमारे पास ट्रिक है, अगर आप कहोगे भाई इसमें थोड़ा सा हमारा टाइम जा रहा है, लेकिन हमारे पास एक थोड़ी छोटी सी ट्रिक है, क्या अगर आपको ये 20 कन्वर्ट करना है जो कि 10 में है, 20 कन्वर्ट करना है जो कि 10 में है, जो कि डेसिमल में है, आपने इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, मैंने कहा उसकी बेस से जो कि 2 है उसके साथ इसको डिवाइड करो, लेकिन आप यहां पे कुछ ही स्कीम याद रखो, 1 2 4 8 16 32 64, ये पावर्स है बेसिकली, 2 raise power 0, 2 raise power 1, 2 raise power 2, 2 raise power 3, ऐसे ही आपके पास है बहुत सारे, आप इस स्कीम याद रख लो, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192, आप ये स्कीम याद रखिए तभी जाओगे आप ये क्वेश्चन जो है जल्दी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक। हमारे पास था 20, ठीक, आपने अभी स्कीम याद रखनी है, क्या आपके पास में 20, मैंने कहा आप बढ़ते रहो जब तक आप 20 पे ना पहुंचो, आपने देखा इसमें 1 है 2 भी है 4 भी है 8 भी है और 16 भी है, मुझे तो 20 तक पहुंचना था, मुझे 20 बनाना है बाइनरी में, लेकिन यहाँ पे अब 16 के बाद 32 आ रहा है जो कि इससे काफी बड़ा है, तो हम उस पर जाएंगे नहीं, इसके बाद आ रहा है 32, हम इस पर जाएंगे नहीं, तो हमें इसके पहले नहीं जाना, इसके आगे हमें नहीं जाना, तो आप अगर हम मुझे 20 बनाना है, मुझे इसमें कौन कौन सा डिजिट जो है जरूरत है,
तो मानो मुझे 16 जो है यहाँ पे चाहिए, 16 मतलब मुझे, और मुझे 4 चाहिए क्योंकि 16 प्लस 4 हुआ 20, तो बन गया आपका ये नंबर, ठीक है ना। तो आप जो जो आपको नंबर चाहिए उसके नीचे आप 1 लगाओ, आपको ये भी चाहिए इसका मतलब एक्टिव है ये नंबर, 4 मुझे चाहिए ये नंबर एक्टिव है। अब 8 तो मुझे नहीं चाहिए 0, अब 2 तो मुझे नहीं चाहिए 0, 1 तो मुझे नहीं चाहिए 0। ये था आपका बाइनरी में इसका रिजल्ट। अगर आप वो देखोगे जो मैंने दिखाया था, जो मैंने अभी अभी दिखाया, हमने डिवाइड किया 2 से, डिवाइड किया 2 से, जब तक हमें 0 ना निकला, वहां पे भी यही रिजल्ट आएगा, यहाँ पे भी यही रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट आप इन पे अप्लाई करो, आप देखो 32 उसको कन्वर्ट करो बाइनरी में पहले मेथड से, जो कि मेथड आपने देखा डिवाइड कर रहे हैं 2 से 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें आप रिजल्ट आ रहा है। और थोड़ा सा ये ट्रिक मैकेनिज्म आप वहाँ पे अप्लाई करो ताकि आपका जो रिजल्ट है जल्दी आ जाए और आसानी से आ जाए। तो आपने देखा, आपने देखा कि डेसिमल टू बाइनरी, अब आपने एक्चुअली में देखा कंप्यूटर सिस्टम कैसे करता होगा ये बाइनरी नंबर में कन्वर्ट। ये उस नंबर को आपने दिया, इसको 15 आपने दिया, 15 सिंपली 15 किया आपने एंटर। जब कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेस करता होगा इस 15 को ये कन्वर्ट कर रहा होगा बाइनरी में, क्योंकि ये तो समझ नहीं पा रहा है ये क्या डेसिमल नंबर सिस्टम, ये समझ पा रहा है बाइनरी नंबर सिस्टम। इसने इस 15 को उठाया और बेस के साथ डिवाइड किया, जो कि बाइनरी की बेस है 2, इसने किया 2 7 14, 15 था हमारे पास, रिमाइंडर आ गया 1, फिर 2 3 6 रिमाइंडर 1, ऐसे ये करता जा रहा है, इसको आप 1s एंड 0s में रिजल्ट आ रहा है, ठीक। ऐसे ये हर किसी डिजिट को, हर किसी नंबर को और हर किसी फॉर्मेट को कन्वर्ट करता है, ठीक, चाहे आपकी इमेज ही क्यों ना हो, आपकी इमेज कंप्यूटर में, ठीक, अगर उसकी प्रोसेसिंग चलेगी वो बन जाएगी 1s एंड 0s में, ठीक, उसको भी ये कैसे कन्वर्ट करता है आगे जाके हमें देखेंगे। तो आपने सबसे पहले देखा, यहाँ पे हमने थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, हमने डिस्कस किया पहले नंबर सिस्टम, मैंने कहा नंबर सिस्टम वो होता है कि हम न्यूमरल उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो फिर मैंने कहा कि इसके बारे में बहुत सारे टाइप्स हैं, क्या क्या, पहली है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसकी बेस 10, बाइनरी नंबर सिस्टम जिसकी बेस 2, ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसकी बेस 8, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसकी बेस 16। तो अब कन्वर्जन क्यों कर रहा है, क्योंकि वहां पे जो है कन्वर्जन पूछे जाते हैं आपको, भाई इसको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करो, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करो, डेसिमल में ऑक्टल, डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करो, ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करो, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल डेसिमल में कन्वर्ट करो। ऐसे ही बहुत सारे, जब लिस्ट बनाओ आप इन सब का लिस्ट बनाओ, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, अब यहां पे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ऐसी आप एक लिस्ट बनाओ देखो, क्योंकि हम ये एक एक करके देख लेंगे। यहां पे हमने देखा खाली अभी बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, जस्ट टू बाइनरी कन्वर्जन। अब इसका उल्टा देखेंगे, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, हमने देखा डेसिमल टू बाइनरी। अब क्वेश्चन दिया है क्या 10002, इसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें, 10 में, ये बाइनरी लैंग्वेज है, आपने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, ठीक। तो ये इंशाल्लाह जो है हम अगले लेक्चर में देखेंगे, तो हम उसमें देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम जो है कन्वर्जन कैसे होता है। तो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।